बनाएंगे घर पर सबसे आसान तरीके से खीर। दोस्तों एक खीर की रेसिपी आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। दोस्तों इसे बनाने के लिए ना ही हमें चावल चाहिए और ना ही साबूदाना चाहिए दोस्तों, ना ही कंडेंस मिल्क चाहिए और ना ही मिल्क पाउडर चाहिए और ना ही खोआ ना ही मावा दोस्तों, तब भी बनाएंगे एकदम सुपर टेस्टी सिर्फ दूध और लौकी से दोस्तों एक खीर की रेसिपी लेकर के आई हूँ। एकदम लच्छेदार बनेगा दोस्तों। इस तरीके से बना करके आप व्रत में भी खा सकते हैं और जब भी मीठा खाने का मन हो दोस्तों तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये रेसिपी दोस्तों एकदम आसान तरीके से बतलाई हूँ, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे दोस्तों। अगर आज के हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लालसा के रसोई में। लौकी की खीर बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें चाहिए नरम लौकी और ताजा चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज का लौकी रखी हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करना है दोस्तों, छील लेना है लौकी को। पीलर जो होता है ना छीलने वाला, उससे हम क्या करेंगे लौकी अच्छा से छील लेंगे और छीलने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हम छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों अच्छा से लौकी सबसे पहले धो लेना है और धोने के बाद में यहाँ पर ग्रेट करेंगे लौकी पर। देखिए यहाँ पर जो बिया है ना दोस्तों छोटी छोटी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो मोटा वाला छेद है ग्रेटर का उसी से ग्रेट करना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ग्रेट करेंगे तो एकदम लच्छेदार जो है लौकी बनेगा दोस्तों। देखिए इस तरीके से एकदम लच्छा वाला बड़ा बड़ा यहाँ पर इकला है, इसी तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। और जो देखिए यहाँ पर अंदर वाला जो भाग है ना बिया वाला, यहाँ पर मैं निकाल करके अलग रख दी हूँ दोस्तों, उससे आप सब्जी भी बना सकते हैं सब्जी में डाल करके। अब इसी तरीके से हम सारा लौकी यहाँ पर ग्रेट कर लिए हैं देखिए इस तरीके से। और लौकी में देखिए दोस्तों जो लच्छा वाला बना है ना इसमें काफी पानी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इनका पानी है जो निचोड़ करके निकाल लेंगे, नहीं तो जैसे हम खीर बनाएंगे तो टेस्टी नहीं बनेगा और ज्यादा पानी पानी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लौकी को हाथ से पानी निकाल लेते हैं निचोड़ करके दोस्तों। आप चाहते हैं तो कपड़ा में भी रख करके निचोड़ करके निकाल लीजिएगा। देखिए इस तरीके से दबा दबा करके थोड़ा थोड़ा ले लेंगे और निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए लौकी में से कितना सारा ये पानी निकला है, तो इस तरीके से ये पानी जो है सब्जी में भी डाल सकते हैं, नहीं तो इससे आटा भी गूंथ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए लौकी का लच्छा हमारा अच्छा से निकल गया है, तो चलिए अब इन्हें बनाना शुरू करते हैं खीर। खीर बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं रख दी हूँ कढ़ाई गैस पर और इसी में डाल देंगे 3 चम्मच देसी घी दोस्तों। ये घी डाल करके आप खीर बनाइएगा, बहुत सुपर टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पर देखिए जब घी मेल्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो हम लौकी रखे हैं दोस्तों इसी में डायरेक्ट हम डाल देंगे। और डालने के बाद में 3 से 4 मिनट के लिए हमें लौकी भूनना है, जो भी लौकी में एक्स्ट्रा पानी होगा ना दोस्तों यहाँ पर जल जाएगा, तो इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से हमें भूनना है दोस्तों। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा फैमिली में दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों। इस तरीके से लौकी की खीर बना करके आप जैसे त्योहार आता है उसमें व्रत रहता है दोस्तों, तो उसमें भी खा सकते हैं। जब भी मीठा खाने का मन करेगा ना तो इस तरीके से बना करके खा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मैं भून ली हूँ। यहाँ पर जो लौकी है ना इनका एकदम सॉफ्ट हो गया है और पानी अच्छे से सूख गया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसी में दूध, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं उबला हुआ 1 लीटर दूध डाल रही हूँ। इस तरीके से आप काचा भी दूध डाल सकते हैं दोस्तों, नहीं तो उबाल करके डालिएगा। उबालने से क्या होता है दोस्तों, जो दूध है ना वो फटेगा नहीं लौकी में, तो आप कोशिश करिएगा उबाल कर ही लौकी में दूध डालिएगा। अब यहाँ पर देखिए दूध डाल दिए और अच्छा से हम लौकी में अच्छा से मिक्स कर लेंगे 10 मिनट के लिए दोस्तों। इन्हें मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छा से पकाना है, जो लौकी है दूध के साथ में एकदम दोस्तों पक जाएगा और एकदम स्वादिष्ट हमारा खीर बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग 5 मिनट हो गया है और यहाँ पर जो है दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ना तो जो लौकी है अच्छा से गलेगा दोस्तों, एकदम सुपर टेस्टी खीर बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए एकदम ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, तो इन्हें लगातार हम क्या करेंगे चलाते रहेंगे बीच बीच में। यहाँ पर देखिए मैं दूध दिखा रही हूँ दोस्तों, गाढ़ा हो गया है। तो इस तरीके से ये रेसिपी एक बार जरूर बनाइएगा, मेरे गारंटी है दोस्तों बहुत सुपर टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे स्वाद के अनुसार अपने अनुसार से यहाँ पर चीनी डालेंगे दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ना ही ज्यादा मीठा बना रही हूँ ना ही ज्यादा फीका बना रही हूँ, यहाँ पर स्वाद के अनुसार चीनी डाल दिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो 1 चम्मच खाने वाला चम्मच से दोस्तों किशमिश डाली हूँ, 1 चम्मच बादाम काट करके छोटे टुकड़ों में डाल दी हूँ, 1 चम्मच काजू भी डाल दी हूँ। अब इन्हें डाल करके अच्छा से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर इलायची का पाउडर, मैं दोस्तों 4 से 5 इलायची घर पर कूट ली हूँ, और कूटा हुआ इलायची डालते हैं ना फ्रेश, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन्हें डाल करके अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ दोस्तों। और जैसे चीनी डाले हैं तो उनका पानी तो छोटा है, तो उन्हें पकाना जरूरी है, तभी तो टेस्टी खीर बनेगा। इन्हें 2-3 मिनट के लिए और हम पकाएंगे, इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि हमारे जो खीर है अच्छा से गाढ़ा हो गया है, तो 2-3 मिनट और इन्हें हम पकाते हैं दोस्तों, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा खीर जो बन करके हो गया है तैयार, और इन्हें मैं नीचे उतार ली हूँ दोस्तों 2-3 मिनट पकाने के बाद में। और यहाँ पर चलिए मैं बर्तन में भी निकाल ली हूँ, तो ये देखिए हमारी खीर बन करके कितना टेस्टी तैयार हो गया। तो इस तरीके से एक बार रेसिपी बनाइए और खाइए दोस्तों, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगी है। अच्छी लगी हुई तो
वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा शेयर फैमिली में दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। दोस्तों इस तरीके से हर कोई घर पर इजी तरीके से हलवाई के जैसा लौकी के खीर बना करके खा सके। अब आप चाहे तो दोस्तों गर्मा गर्म भी खा सकते हैं लेकर के, नहीं तो ठंडा करके खाएंगे तो और इसका टेस्ट है ना एकदम बढ़ जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से एक बार अगर आप लोग बनाकर खा लेंगे दोस्तों तो बार बार बाजार से लौकी लेकर के आएंगे और घर पर बनवा करके खाएंगे, बहुत सुपर टेस्टी लगता है। यहाँ पर देखिए एकदम जो लच्छा है ना एकदम खाने में एकदम जबरदस्त लगेगा दोस्तों, और टेस्ट इसका पूछिए मत। एक बार आप लोग बनाकर खाइए तब मुझे बताइएगा कमेंट कर कि मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगी है। ये तो इस तरीके से कब बना रहे हैं दोस्तों एक बार जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।